दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा सिमिली और मेटाफर की। सिमिली को हम सिमिल भी कहते हैं, ये दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। मैं इन दोनों की डेफिनेशन बताऊंगा और इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिमिली की। दोस्तों सिमिली एक टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है जिसका यूज दो चीजों में समानता दिखाने के लिए किया जाता है, लाइक और एज वर्ड का यूज करके। अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर समथिंग टू समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल, वाइट एज स्नो, बर्फ की तरह सफेद। यानी कि सिमिली में कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट चीजों के बीच में सिमिलैरिटीज बताने के लिए, लाइक और एज वर्ड का यूज करके। लेकिन वहीं सिमिली के अंदर दो एक जैसी चीजों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, जैसे इंसान का कंपैरिजन इंसान से नहीं किया जा सकता। ये सिमिली शब्द लैटिन वर्ड सिमिली से निकल करके आया है जिसका मतलब होता है लाइक या लाइकनेस। अब यहां पर हम लोग सिमिली के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिमिली के, क्यूट एज ए किटन, बिल्ली के बच्चे की तरह प्यारा। यहां पे एज शब्द लगा है तो यहां पे सिमिली है। ब्लाइंड एज ए बैट, चमगादड़ की तरह अंधा, तो यहां पे भी एज शब्द जुड़ा है तो ये सिमिली है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे यू आर एज ब्रेव एज लॉयन, तुम शेर की तरह बहादुर हो। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े। तो ये सारे सिमिली के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं मेटाफर की। देखिए दोस्तों, मेटाफर भी एक टाइप की कंपैरिजन के लिए काम में आने वाली फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन इसमें लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं होता। अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट समबडी और समथिंग हैज सेम क्वालिटीज एज अनदर थिंग विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। दोस्तों ये वर्ड मेटाफर ग्रीक वर्ड मेटाफेरियन से आया है जिसका मतलब होता है ट्रांसफर। देखिए दोस्तों, मेटाफर के अंदर हम डायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं, लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं करते। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये एक एग्जांपल है, द असाइनमेंट वाज अ ब्रीज। यहां पे असाइनमेंट की तुलना ब्रीज से की गई है, इसका मतलब ये दिखाने के लिए यूज किया है कि असाइनमेंट जो था वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और यहां पे असाइनमेंट को डायरेक्टली ब्रीज कहा गया है, यहां पे लाइक और एज वर्ड यूज नहीं हुआ सिमिली की तरह। यही दोनों में मेन फर्क होता है मेटाफर और सिमिली में। इसके अलावा लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यहां पे लाफ्टर का कंपैरिजन मेडिसिन से किया गया है बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किए। अगर सिमिली में हम इसे बोलते तो क्या बोलते, लाफ्टर इज लाइक अ बेस्ट मेडिसिन। तो आई होप आपको सिमिली और मेटाफर में फर्क समझ में आया होगा।